थवाड इंटरनेशनल स्कूल देवरी रोड आगरा में बैग मेंटेनेंस डे मनाया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपने बैग व किताब कॉपियों को व्यवस्थित करना सीखा। टीचर्स ने उन्हें सिखाया कि उन्हें अपने बैग को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने नोट्सबुक को किस तरीके से कवर करना चाहिए और व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सभी स्कूल टीचर्स का सहयोग रहा तथा कार्यक्रम का संचालन प्रभाष शर्मा ने किया। थवाड इंटरनेशनल स्कूल देवरी रोड आगरा में बैग मेंटेनेंस डे मनाया गया। यह सुनने में अच्छा लग रहा है, बैग मेंटेनेंस डे का आयोजन करके थवाड इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों को सामाजिक और आवश्यक जीवन कौशल सिखाए हैं। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को संगठन, स्वच्छता और जिम्मेदारी के महत्व को समझाने में मदद करते हैं। बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने स्कूली और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए आवश्यक कौशल सिखाने में मदद मिलती है। आपके स्कूल द्वारा इस प्रकार के सामाजिक उपक्रमों का आयोजन करना बच्चों की प्रोत्साहन और उनके विकास को बढ़ावा देने वाला एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपने बैग व किताब कॉपियों को सुव्यवस्थित करना सीखा। टीचर्स ने उन्हें सिखाया कि उन्हें अपने बैग को किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने नोट्सबुक को किस तरीके से कवर करना चाहिए और व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने में थवाड इंटरनेशनल स्कूल देवरी रोड आगरा में बैग मेंटेनेंस डे को ऑब्जर्व किया गया, जिसमें छात्रों को ये बताया गया कि बुक्स को किस तरीके से बैग में अरेंज करना है, स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डे वाइज बुक्स को बैग के अंदर अरेंज करना है, जिससे बच्चों का एक तो बैग का वेट कम होता है, साथ ही बच्चों की जो मानसिक थकान होती है ये नहीं पता रहता बच्चों को कि बुक्स कौन सी कौन से दिन ले जानी है, जिसमें टीचर्स बुक मांगते हैं तो बुक्स नहीं निकलती है बैगों से। तो इसलिए हमने बच्चों को ये बताया आज कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को स्कूल जाने से एक दिन पहले अरेंज करनी होती है, तथा साथ ही हमने ये भी बताया बच्चों को बुक का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। अभी स्कूल टीचर्स का बराबर का सहयोग रहा तथा कार्यक्रम का संचालन प्रभाष शर्मा ने किया। मून न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी की रिपोर्ट।